हेलो फ्रेंड्स, इस टैग में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। आज मेरे पास एक डीलर का बोर्ड आया 10290-2 जो कि लेनोवो का मदरबोर्ड है, और इसमें उसने बोला कि ये डेड है। आइए देखते हैं इसमें क्या कंडीशन है, क्या डेड है क्या है। और किसी ने इसमें पहले से किसी ने कोई जुगाड़ वगैरह जंपर वगैरह करके रखा है, जिससे कि हम छेड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, और हमें केवल बोर्ड को चालू करना है, ना कि कोई टेम्पर करना है बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस बोर्ड में क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे ये शॉर्ट आउट्स होंगी। तो चलिए सबसे पहले मैंने बोर्ड में अपनी सप्लाई लगाता हूँ, डीसी पावर सप्लाई, और देखते हैं कि बोर्ड में क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। जैसे मैं डीसी पावर, ओह शिट, इसमें तो शॉर्टिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे ही मैं शॉर्टिंग की प्रॉब्लम देखने को, बहुत ही आसान प्रॉब्लम्स में से एक होती है, ये डायरेक्ट मेरा लोड 5 वोल्ट पर जा रहा है और 5 एम्पीयर वो कर रहा है, मतलब इसमें शॉर्टिंग है कहीं ना कोई कुछ। तो सबसे पहले शॉर्टिंग के केस में आपको क्या करना है, आप सबसे पहले आपको अपना मल्टीमीटर ले उठाना है। मल्टीमीटर उठाने के बाद में, लेने के बाद में आपको क्या करना है, बजट से बजट रेंज में लगाना है। बजट रेंज में लगाने के बाद में आपको एक प्रॉप डाउन और एक प्रॉप जो 19 वोल्ट का CL आ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, उसके इनपुट और उस पर चेक करना है कि उस पर शॉर्टिंग आ रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हो आ रही है, शॉर्टिंग तो आ रही है, लेकिन बीप करना, फिर इसे डायोड भी रेंज में भी लेना, रिवर्स कंफर्मेशन में, डायोड मोड में मल्टीमीटर को लेने के बाद देखना इंपीडेंस कितना है। देख पा रहे हो 0.16, बहुत लो इम्पीडेंस है, मतलब कहीं ना कहीं 19 वोल्ट में शॉर्टिंग है। तो आपको 19 वोल्ट में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, तो आपको सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले जो CLR है 19 वोल्ट को उसे रिमूव कर लीजिए। जैसे ही मैं अपनी हॉटगन उठा रहा हूँ और अपने 19 वोल्ट के CLR को मैं रिमूव करता हूँ, और जो मैं CLR रिमूव कर लिया करने के बाद ऐसा अलग रख दीजिए। अब इसके बाद में ये देखिए, कहीं इनपुट में शॉर्टिंग दिखा रहा है, आउटपुट में फिर से अपन मल्टीमीटर को अपने बजट रेंज में लगाएंगे और ये देखेंगे कि हमारे इनपुट में शॉर्टिंग है, आउटपुट में जैसे कि आप देख पा रहे हो इनपुट में कोई शॉर्टिंग नहीं है जबकि आउटपुट में मेरी शॉर्टिंग है। तो इसके बाद में मुझे क्या करना है, सीधा कुछ नहीं करना, अपना सीधा मैं अपना जंपर पीछे उठाऊंगा और जहाँ पे भी शॉर्टिंग होगी वहाँ पे मैं CLR के आउटपुट में शॉर्टिंग है तो आउटपुट में मैं अपना रेड वायर जोड़ लूंगा, जैसा कि रेड है मैंने लंबा करने के लिए ये करके रखा, और अपने ग्राउंड से ग्राउंड की वायर जोड़ दूंगा और इसकी डीसी पावर सप्लाई इसको मैं थोड़ी सी कम कर लूंगा, जैसे कि मैंने 9 वोल्ट कर ली। और इतना करने के बाद मैं अपनी, जैसे ही मैं अपनी इसमें लगाऊंगा और ये पुट करूंगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि कुछ ना कुछ फिर से इसने शॉर्टिंग ली, और मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ हीट हो रहा है, क्योंकि मैं हाथ से ही मैं टेम्परेचर चेंज करता हूँ, यहाँ पर कुछ हीट हो रहा है, बैक साइड में हो रहा होगा जरूर कोई, तो मैं बैक साइड गया। जैसे ही मैं बैक साइड जाऊंगा, बैक साइड गया और फिर से मैंने अपनी डीसी पावर सप्लाई लगाई, तो अब देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ हीट हो रहा है, हल्का हल्का मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ हीट हो रहा है, बहुत तेज हीट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं रिवर्स कंफर्मेशन लेने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्लक्स डाल के दिखाता हूँ आपको, हीट हो रहा है कुछ, ये देखिए आप देख पा रहे हो, अब ये वाला एरिया मेरा सूख जाता है तुरंत, यहाँ पर ये वाला कैपेसिटर मेरा शॉर्ट मार रहा है, कैपेसिटर शॉर्ट मारा। सबसे फिर मुझे क्या करना है, सबसे कैपेसिटर को हटा दूंगा, जो कैपेसिटर शॉर्ट मार रहा है उस कैपेसिटर को हटा दो आप। शॉर्टिंग कब आती है, जब कोई सप्लाई ग्राउंड में कन्वर्ट हो जाती है, जब शॉर्टिंग आती है। ग्राउंड में सप्लाई कन्वर्ट नहीं होगी तब तक शॉर्टिंग ही नहीं आएगी, जब कोई सप्लाई ग्राउंड में कन्वर्ट हो जाती है जब आती है, तो होता क्या है, जो ग्राउंड वाले जो कैपेसिटर्स होते हैं ना प्रोटेक्शन सर्किट में लगाए जाते हैं, ज़्यादातर 99% प्रोटेक्शन सर्किट में ग्राउंड वाले कैपेसिटर्स लगाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई सप्लाई ग्राउंड हो जाती है, इसीलिए ग्राउंड, तो यहाँ पर कैपेसिटर्स को लगाना कंपलसरी नहीं होता, कोई प्रोटेक्शन सर्किट है लगाओ या मत लगाओ। वैसे तो मैं नहीं लगाता, लेकिन मोस्टली मैं नहीं लगाता, लेकिन जब कभी मैं लगाता हूँ, जैसे कि अब मैं नहीं लगाऊंगा, और देखते हैं फिर ये हटाने के बाद में क्या CLR पे से मेरे आउटपुट पे से शॉर्टिंग हटी। तो सबसे मैंने मल्टीमीटर को फिर से अपनी बजट रेंज में ले लिया और देखता हूँ कि CLR के आउटपुट पे शॉर्टिंग आती है, और हाँ आप देख पा रहे हो CLR के मेरे आउटपुट पे से शॉर्टिंग हट चुकी है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसे हटा दूंगा, अपने जंपर DC को रिमूव करूँगा यहाँ से। मैंने जंपर DC को रिमूव किया, और रिमूव करने के बाद में मैं अपना CLR में वापस लगा दूंगा, मैं CLR वापस रख दूंगा, मैं CLR को वापस पुट कर रहा हूँ। अच्छे से आप पुट करोगे, अब देखोगे कि दोनों लेग्स अच्छे से छोड़ दो, जल्दबाजी नहीं करनी आपको किसी भी तरीके में,
आसपास के कंपोनेंट भी उड़ सकते हैं, और हीट आप अपने अकॉर्डिंग रखें। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, अब आप फिर से मैं डीसी पावर सप्लाई लगाता हूँ और देखता हूँ कि मैं पोर्ट ट्रिगर लेगा। तो अपने डीसी के पूरे सप्लाई 90 करता हूँ। तो 19 वोल्ट की है, देखते हैं क्या बोर्ड सप्लाई इलेक्ट्रिकल लेगा। और आप देख पा रहे हो ग्राफिक्स वाला बोर्ड है ये एक, जैसा कि आप देख पा रहे हो वीजन चिप्स लगे हैं यहाँ पे, एक ग्राफिक वाला बोर्ड है। तो 20, 39, 9, 14, 15 और ये डिस्प्ले भी आ गई, और थैंक, और इसकी शॉर्टिंग 100% तरीके से रिमूव हो गई है, और मेरा बोर्ड भी ऑन हो गया है, ट्रिगर ले गया है। और जो भी भाई ने अगर जुगाड़ किए मैं उसको सलूट, बहुत बेहतरीन इसने जुगाड़ किए, जो भी किए। वाईफाई की जुगाड़ है, इसमें वाईफाई नहीं चल रहा था, तो बहुत ही अच्छी है। तो इसी टाइप की मेरी वीडियो देखने के लिए आगे अच्छी अच्छी मैं और भी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज लाने वाला हूँ, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो, धन्यवाद।